नमस्कार दोस्तों मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम दोस्तों आज की कहानी है साथ होने के बाद कैसे बतर गई प्रिया की जिंदगी यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिएगा और हाँ कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बुरकुन ना बुरे जिससे कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रोहन आज भी हर रविवार की तरह अपने छोटे भाई ने बहन सपना को पार्क लेकर आता उसके दोनों छोटे भाई बहन पार्क में खेल रहे थे और रोहन पास में ही एक ब्रेंच पर बैठ जाता तभी सुरेश अंकर भी वहां आते और रोहन के पास बैठ जाते रोहन सुरेश अंकर को नमस्कार करता सुरेश अंकर उसे नमस्ते कहते हैं और कहते और सुना रोहन सब ठीक है रोहन ने कहा अंकल सब ठीक है थोड़ी देर में सुरेश अंकर हर बार की तरह रोहन से वही पुराना सवाल पूछते रोहन साथी कब कर रहे हो रोहन का भी हर बार की तरह वही जवाब था अंकल मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं साथी करना नहीं चाहता आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे ऊपर मेरे दोनों छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता तब सुरेश अंकन ने कहा मैंने तुमसे कब कहा कि तुम अपने बहन भाई की जिम्मेदारी छोड़ दो मैंने तो सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए कहा है तब रोहन ने कहा अंकल क्या पता मेरी शादी जिस लड़की से हो वह मेरी इस जिम्मेदारी को समझेगी या नहीं और वैसे भी मैंने अपने मम्मी पापा से बात किया था अपने छोटे बहन भाई को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि साथी के बाद मेरे छोटे बहन भाई को यह महसूस हो कि मैं उनसे दूर हो गया हूं और कहीं मेरी पत्नी ने मुझे इन्हें छोड़ने के लिए कहा तो मैं क्या करूंगा? तब सुरेश शंकर रोहन को समझाते हुए कहते रोहन मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे छोटे बहन भाई की परवरिश बहुत अच्छे से हो इसलिए तो तुमसे कहता हूँ कि तुम शादी कर लो रोहन ने कहा अंकल आप कहना क्या चाहते हैं मैं कुछ समझा नहीं सुरेश शंकर ने कहा रोहन तुम तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हो उस वक्त तुम्हारे छोटे बहन भाई घर पर अकेले रहते हैं यदि तुम्हारी शादी हो गई तो कोई तो होगा जो तुम्हारे छोटे बहन भाई का ख्याल रखेगा और क्यों सोचते हो कि जिस लड़की से तुम्हारी साथी होगी वह तुम्हारे बहन भाई का ख्याल नहीं रखेगी हो सकता है उसके आने के बाद तुम अपने बहन भाई का और अच्छे से ख्याल रख पाओगे और सुरेश अंकर कहते हैं तुम चाहो तो यह काम मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी मैं देख दूँगा सुरेश अंकर के समझाने के बाद रोहन साथी के रे हाँ कर देता है लेकिन वही कहता है मैं साथ सिर्फ उसी लड़की से करूँगा जो मेरे छोटे बहन भाई का प्यार अपने बच्चों की तरह रखे सुरेश शंकर रोहन को हाँ में जवाब देते और वहाँ से चले जाते कुछ दिन निकल जाते और एक दिन सुरेश शंकर पुराने मित्र के यहाँ जाते और बातों ही बातों में उनसे कहते क्यों महेश प्रिया के लिए कोई अच्छा लड़का देखा है या नहीं तभी महेश जी की पत्नी सुशेरा जी ने फताक से कहा भाई साहब मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ कि प्रिया की उम्र हो गई है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे लेकिन इन्हें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता तब महेश जी ने कहा अरे बेटी ये घर तो देख कर ही शादी करूँगा ना तब सुरेश जी कहते तेरी और भाभी की चिंता का जवाब मेरे पास है मेरी नचल में प्रिया बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का है कहो तो बताऊं तब सुशीला जी कहती अरे भाई साहब नेकी और पूछ पूछ आप तो जल्दी से बताइए कौन है वह लड़का सुरेश जी ने कहा रोहन मेरे ही पास के घर में रहता है बहुत अच्छा लड़का है यदि आप कहेंगी तो मैं उसे आप दोनों से मरवा सकता हूँ सुशीला जी कहते हैं भाई साहब आप उसे कर ही हमारे घर भेज दीजिएगा हम उससे जरूर मिलेंगे आप पर हमें पूरा विश्वास है दूसरे दिन रोहन सुरेश अंकल के साथ प्रिया के परिवार से मिलने के लिए उनके घर आता महेश रोहन से कहता सुरेश ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और सुरेश मेरा पुराना मित्र है तो वह मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ही बताएगा लेकिन सुरेश ने यह नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है तुम्हारे पापा क्या करते हैं रोहन ने कहा अंकल बहुत समय पहले मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए यह सुनकर सुशीला जी कहती जानकर बहुत दुख हुआ बेटा और कोई नहीं तुम्हारे परिवार में रोहन ने कहा मेरे दो छोटे बहन भाई हैं जो अब मेरी जिम्मेदारी हैं और मैंने पहले ही सुरेश अंकर से कह दिया है मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरे छोटे बहन भाई का ख्याल माँ की तरह रखेगी पीछे खड़ी हुई प्रिया भी सुरेश की यह सब बातें सुन लेती और वह मन ही मन सोचती जो इंसान अपने छोटे बहन भाई से इतना प्यार करता होगा वह मेरी कितनी कदर करेगा सच में रोहन बहुत अच्छा इंसान है थोड़ी देर बात करने के बाद रोहन वहाँ से चला जाता और सुरेश जी महेश जी सुशीला जी से पूछते तो बताइए कैसा रखा आपको रोहन तब सुशीरा जी कहती भाई साहब हमें आपसे यही उम्मीद नहीं थी हमें तो रखा कि आप प्रिया को अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे लेकिन आप तो मेरी बेटी को आया बनाना चाहते हैं यह सब सुनकर सुरेश जी ने कहा भाभी जी आप कह क्या रहे हैं सच में रोहन एक अच्छा लड़का है और हमारी प्रिया बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी तो सुशीला जी कहती हैं खुश कहाँ से होगी मेरी बेटी उसके ऊपर तो दो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाएगी ही के बाद हर लड़की ने के अपने सपने होते हैं और मेरी बेटी एक ऐसे लड़के से शादी तो नहीं करेगी जिसके लिए उसके सारे सपने टूट जाएंगे तब प्रिया ने कहा माँ आप क्या कह रही हैं रोहन सच में एक अच्छा लड़का है आप ज़रा सोचिए जो अपने छोटे बहन भाई से इतना प्यार करता है उनकी इतनी कतर करता है वह मेरी कितनी कतर करेगा और हर लड़की सिर्फ यही चाहती है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे उसके सुख और दुख में उसका साथ दे और मुझे विश्वास है रोहन मेरे सुख और दुख में मेरा साथ देगा और रोहन भी तो यही चाहता होगा ना जिस लड़की से उसकी साथ ही होगी वह उसके सुख और दुख में साथ दे तो रोहन क्या गलत कह रहा था तब सुशीला जी कहती तू चुप कर तू अभी छोटी है इन सब बातों को नहीं जानती और बड़ों के बीच में मत बोरो जाओ अपने कमरे में प्रिया दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती और सुशीला जी सुरेश जी से कहते प्रिया हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख सकते हैं आपको हमारी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तब सुरेश जी कहते महेश तू ही भाभी जी को समझाना वही मुझे गलत समझ रही है तब महेश जी ने कहा प्रिया की माँ बिल्कुल सच कह रही हैं सुरेश अब तू यहाँ से जा सकता है इसी तरह पूरे दो महीने निकल गए और एक दिन प्रिया अपनी बड़ी बहन और उसके दो वर्ष के बेटे बित्तू और अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती प्रिया और उसका पूरा परिवार शॉपिंग कर रहा था और बित्तू गेंद से खेलते हुए दुकान के बाहर रोड पर पहुंच जाता तभी प्रिया की बड़ी बहन देखती बित्तू दिख नहीं रहा है और वही दुकान के बाहर देखती तो रोड पर बित्तू गेंद से खेल रहा था और सामने से एक तिरक आ रहा था यह देख कर वही सब तर जाते लेकिन तभी रोहन आकर बिट्टू को बचा देता प्रिया की परि बहन दौड़ कर जाती और बिट्टू को अपनी गोद में देती और प्रिया के माता पिता रोहन का धन्यवाद करते रोहन कोई बात नहीं कह कर वहाँ से चला जाता तब प्रिया कहती कहा था ना माँ कि रोहन सच में देखा ना उसने अपनी जान पर खेर कर की जान बचाई सच में इससे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा अब तो प्रिया के माता पिता भी इस बात को समझ चुके थे और वह सुरेश जी से कहते हैं कि रोहन और प्रिया की शादी की बात चलाएं सुरेश जी रोहन के पास जाते और उसे सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि प्रिया तुमसे शादी करना चाहती है और उसे तुम्हारे छोटे बहन भाइयों से भी कोई परेशानी नहीं है उसने खुद कहा है कि वह तुम्हारे छोटे बहन भाई को माँ का प्यार देगी क्या अब तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है रोहन ने कहा प्रिया जैसी समझदार जीवन साथी यदि मेरी ज़िंदगी में आएगी तो यह मेरी खुशकिस्मत होगी मैं प्रिया से शादी जरूर करूँगा दोनों ही तरफ से जब हाँ थी तो शादी में तेर किस बात की एक अच्छा सा दिन देख कर दोनों की शादी हो जाती है कहानी के दूसरे भाग में देखें रोहन से शादी करने के बाद प्रिया की जिंदगी एकदम से कैसे बदल जाएगी इसका कारण रोहन के छोटे बहन भाई होंगे या कोई और बात जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो यदि कहानी पसंद आई तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और हाँ कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग